मैंने कहा महेश प्लीज़ बुड्ढी की बुड्ढी का रोल मुझे फिर मत देना यार क्या सब लोग मुझे बुड्ढी का रोल दे रहे हैं राजेश्वरी वाले आ, संजीव कुमार को लेके बैठ गए हैं कि नहीं संजीव कुमार जी करेंगे मुझे लगता है मेरे जिंदगी की दिस इज़ वन ऑफ बेस्ट फिल्म गांधी जब हुई तो गांधी के बाद मुझे बहुत सारे माँ के रोल्स आए बहुत ज़्यादा उसके बाद जब ये थोड़ा सा शुरू हुआ मैं थोड़ा 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 उकताने लगी थी तब मुझे महेश भट्ट ने फ़ोन किया महेश भट्ट के साथ मैंने अर्थ भी की थी पहले अर्थ में मैंने अपनी एज की थी जो नौकरानी का रोल किया था जो तो महेश भट्ट ने फिर आए और कहने लगे रणी एक अच्छी स्टोरी है बुढ़्ढा बुड्ढी की है मैंने कहा महेश प्ली, प्लीज़ बुड्ढी की बुड्ढी का रोल मुझे फिर मत देना यार क्या सब लोग मुझे बुड्ढी का रोल दे रहे हैं मुझे कोई अपना यानी ये सब बातें हुई तो उसने बोला तुम स्टोरी सुन लो अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो तुम कर लो नहीं तो मैं फिल्म नहीं करूँगा मैंने कहा ये ऐसी ऐसा मत करो उसने ऐसे ही बोला होगा लेकिन मैंने जब स्टोरी सुनी तो मुझे इतना अच्छा लगा सारांश की स्टोरी थी वो बहुत अच्छी लगी कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा मैंने कहा हाँ अगर ये है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ और फिर वो फ़िल्म हमारी स्टार्ट हुई आई थिंक हमने आ, कुल तीन दो दो महीने में वो कंप्लीट की होगी महबूब में मैं सेट लगा हुआ था और उस वक्त मुझे याद है थोड़ी सी मैं ऐसे हो गई थी कि चलो ये तो अच्छी अच्छा रोल करने के लिए मिल रहा है और वो भी संजीव कुमार के साथ क्योंकि मैंने सुना कि राजेश्री वाले संजीव कुमार को लेके बैठ गए हैं कि नहीं संजीव कुमार जी करेंगे एंड आई वाज डाई हार्ट फैन ऑफ संजीव कुमार आई एम स्टिल टिल नाउ तो मैंने कहा उनके साथ काम करने के लिए बहुत मजा आएगा ये वो और जब महेश ने कहा कि नहीं संजीव कुमार जी मुझे नहीं चाहिए मुझे कोई नया एक्टर है मेरे पास एक वो काम करेगा तो अनुपम का नाम बोल दिया तो अनुपम तो हमारा गुरु बंधु है थोड़ा मुझसे जूनियर है आई मीन I mean, स्कूल में जूनियर थे आ, तो वो और अनुपम का मैंने काम पहले देखा भी था दिल्ली में एक नाटक देखा था जो अमाल अलाना ने डायरेक्ट किया था लॉन्ग डेज जर्नी इनटू द नाइट तो मैंने कहा हाँ अनुपम भैया अच्छा है वो एक्टर फिर मदन जैन को मैं जानती थी मदन जैन ने के साथ भी प्ले में काम किया था एक छोटे हमारे छोटा सा ग्रुप था हमारा उस वक्त और सोनी राजदान उसके साथ भी उससे पहले मैंने पार्टी किया था तो सारे लोग पता थे मालूम थे बहुत मज़ा आया और हमारा ये होता था कि एक अच्छा खासा वो हुआ था कि पहले हम जाते थे तो डायरेक्टली मेकअप रूम में कभी नहीं जाते थे पहले सेट पे जाते थे कौन सा सीन करना है फिर कौन सा सीन करना है सब लोग किस किस का है ये 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 है सीन क्या है एक बार पढ़ लेते थे और कहाँ करना है वहाँ पे हम ब्लॉक कर लेते थे वो सीन एज इफ वी आर ऑन स्टेज ब्लॉग कर लेते थे कि कैसे कैसे होगा फिर फिर महेश कहते थे कि हाँ अभी हो गया अब मेकअप करो और जब तक हमारा मेकअप वगैरह होता है तब तक यहाँ पे वो सेट लगा शॉट लगा देते थे तो हमको मालूम पड़ता था कि इस सीन में हम क्या कर रहे हैं कहाँ से क्या होगा इमोशनल ग्राफ क्या होगा और हमको क्या करना है तो ये इट वॉज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग ऐसा नहीं था कि हाँ चलो तुम तुम्हारा कर लो ये ये यहाँ से यहाँ तक है जैसे आजकल टेलीविजन में होता है यहाँ से यहाँ तक मास्टर शॉट है उसके बाद क्लोजेस हैं उसके बाद ओवर द शोल्डर है ऐसा कुछ नहीं था पहले हम पूरा सीन कर लेते थे तो उस सीन का एक मूड पता चलता था और उसकी वजह से फिर वो परफॉर्मेंस में भी वही इंटेंसिटी आ जाती थी परफॉर्मेंस में भी वही इमोशंस आ जाते थे और फिर वो करने में बहुत आसान हो आसानी हो जाती थी आ, ऐसे ही गोविंद जी ने भी किया था पार्टी के ज़माने में पार्टी में तो हम आ, हमने शूटिंग से पहले हमारे सीन्स रिहर्स किए थे वो तो और ही आ, तरीका अलग था आ, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होता है आ, कि आपको पता चलता है कि आप क्या करने वाले हो उस सीन में और वो मूड पता चलता है आपको क्या करना है वो पता चलता है और फिर आप उस पर काम कर सकते हो तो सारांश में वो किया था अच्छा अब ये तो नहीं था कि हाँ मेरा हो गया है चलो मैं मैं कपूर में जाके बैठ जाती हूँ ये हमने कभी नहीं किया जब सारे लोगों की किसी का क्लोजअप भी होता था तो हम कैमरे के पीछे महेश जी के साथ बैठ जाते थे और एक दूसरे का वो देखते थे काम देखते थे कैसे और कभी कभी सजेस्ट भी करते थे और कोई उस पर आपत्ति नहीं लेता था कि मुझे सजेस्ट किया है और ये वो तो ये एक टीम वर्क होता है और वो टीम वर्क बहुत मायने रखता है किसी भी चीज़ में थिएटर में हो फिल्म में हो तो ये भी होता था कि कभी अच्छी सजेशन लगी <laughs> तो मेरी तरफ से पाँच रुपया ऐसा भी हो जाता था तो ऐसे हम ऐसे इकट्ठा करते थे पैसे ख्याली पैसे लेकिन तो ये ये सारी चीज़ें हमारे सेट पे होती थी और कभी किसी का अच्छा लगा किसी ने अच्छा किया तो शाबाशी देने में भी हम कसर नहीं रखते थे तो वैसे देखा जाए तो उस टीम में मैंने ही ज़रा ज़्यादा फिल्में की थी लेकिन कभी ऐसे नहीं लगा कि मैंने मैं थोड़ी सी सीनियर हूँ या वैसे मैं अनुपम से दो तीन साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी सीनियर थी लेकिन कभी ऐसे नहीं लगा कि कोई सीनियर है जूनियर है सबको साथ लेके काम करना है और इसलिए कोई कोई मुझे भी सजेस्ट करता था तो मैं भी उस हिसाब से अपना परफॉर्मेंस दे देती थी तो एक टीम वर्क यानी अदीप टंडन भी हमारे कैमराम अरे वो वो भी सजेस्ट करते थे वो भी कभी कभी, कभी कह देते थे यार नहीं अच्छा हुआ है अभी मेरे लिए एक कर लो तो हम वो भी करते थे यानी सिर्फ यानी मुझे एक याद है हमारा जो लास्ट सीन है सारांश में जब सुजाता निकल जाती है टैक्सी में से निकल जाती है और मैं बैलकनी uh, में आके सुजाता सुजाता करके पुकारती हूँ सुजाता चली जाती है उसके बाद मैं पीछे मुड़ती हूँ और अनुपम जी की कैरेक्टर जो प्रधान साहब हैं वो मेरे पीछे हैं और मैं उनको ऐसा टाल देती हूँ और कहती हूँ तुम जानवर हो और मैं अंदर चली जाती हूँ फिर पॉइजन की बोतल निकाल के मैं अभी मेरी मुझे अभी मरना है करके मैं पॉइजन के बॉटल लगाने वाली होती हूँ होटो पे तो अनुपम जी आके रोकते हैं और फिर वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ करके वो मुझे वहाँ से लेके निकल जाते हैं और फिर लास्ट वाला सीन है तो ये जो मैंने जो डिस्क्राइब किया वो सीन वो सीन काफ़ी लंबा यानी सीक्वेंस जो था शॉर्ट्स में वो काफ़ी लंबा था तो एक बार ऐसे हुआ उस दिन ऐसे हुआ कि अभी हमने ये सीन स्टार्ट किया तो इसमें ब्रेक मिलेगा क्योंकि अभी स्टार्ट किया तो पैकअप करना पड़ेगा दस बजे और फिर सीन वो दूसरे दिन फ्रेशली स्टार्ट करना पड़ेगा वो मूड जो है वो नहीं है तो ऐसा करते हैं दूसरे दिन सुबह में वो स्टार्ट करते हैं वो सीक्वेंस जो जाती है वहाँ से लेके अनुपम जी मुझे जो हाथ पकड़ के बाहर ले जाते हैं वहाँ तक ये पूरा का पूरा एक गो में कर लेते हैं और मुझे पूरी तरह से याद है महेश जी ने ये पूरे यूनिट को पूछा था कि ऐसा हम करना सोच रहे हैं पता नहीं हमारा पैकअप कब होगा क्योंकि लंबा सीन है शायद सुबह में नौ बजे स्टार्ट करके दस बजे तक कंप्लीट नहीं होगा शायद ज़्यादा करना पड़ेगा तो एक गो में हम सीन करें या क्या कहते हो आप सब लोग तैयार हो या नहीं और सब ने कहा था हम तैयार हैं वो सीन कंप्लीट करते करके ही हम पैकअप करेंगे और दूसरे दिन जो हमने सीन शुरू किया है पूरे दिन वो सीन करते रहे और फिर मेरे ख़्याल में उस वक्त नाइन टू टू की शिफ्ट हो गई थी रात को दो बजे हमने पैकअप किया था उस वक्त तो ये तो यानी मुझे याद है कितना इंटेंसली हम काम कर रहे थे और उतना ही इंटेंस हमारा पूरा स्टाफ था पूरे आई मीन लाइटमन सब सब आई I मीन mean, पूरा यूनिट उतना ही इंटेंसली काम कर रहा था तो आई वाज रियली वेरी ग्रेटफुल टू राजश्री टू गिव मी दिस काइंड ऑफ फिल्म टू Do, do, and um, मुझे लगता है मेरे जिंदगी की this is one of best film one of the best film one of बोलूँगी bol, बिल्कुल best ऐसा नहीं <laughs> और भी है फिल्में लेकिन ये one of the best है और uh, best character also experience wise film wise character wise everything was really enjoyable और वो तीन चार महीने हमने उसके बाद डबिंग पे भी ऐसे ही आ, ऐसे ही काम किया जो शुरू किया तो दो दिन में पूरी डबिंग पूरे कैरेक्टर की कि वो एकदम से फ्रेश नहीं लगना चाहिए इसलिए ये सीन ख़त्म करते हैं थोड़ा सा देर हुई तो चलेगा ऐसे करके हमने वो डबिंग तो ईच एंड एवरी मोमेंट दैट ऑफ दैट फिल्म वॉज इन्जॉयबल लाइक एनी